What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 12th August 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:40 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल भी एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिला डेली चार्ट में, यानी जो मंडे को जैसे सेम सिनेरियो था, ऊपर के लेवल पे ओपन होने के बाद एक फ्लैट नोट के साथ निफ्टी इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा था। कल भी ट्यूजडे को भी सेम सिनेरियो हमें देखने को मिला, तो आज के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 11th August आफ्टर मार्केट आवर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,298। जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ऑलमोस्ट ओपन हुआ हमारे फर्स्ट टारगेट के पास, और यहाँ से और भी टूवर्ड्स ऊपर की तरफ ये मूव हुआ। फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आया जिससे एग्जैक्ट ये जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था इसी के पास इसने टूवर्ड्स साउथ आते हुए एक सपोर्ट टेस्ट किया और फिर बाउंस बैक हुआ। तो यहाँ पर तभी हमारा फर्स्ट टारगेट 11,324 और सेकेंड टारगेट 11,341 ये भी अचीव हुए। काफ़ी टाइम यहाँ पर इसने सेकेंड टारगेट के पास सपोर्ट भी टेस्ट किया और एंड ऑफ द डे जो फर्स्ट टारगेट था ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास आके ये क्लोज हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 13,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। सबसे पहले कल अमेरिकी बाजार में फिर से एक बार गिरावट देखने को मिली। नास्डैक करीब 185 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। रशिया पहला देश बन चुका है जिसने कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है, कंफर्मेशन दे दिया है। तो अभी मार्केट में कब और किसका वैक्सीन आता है ये देखने लायक होगा। यूरोपियन मार्केट्स देखें तो कल तेजी में देखने को मिला, तो और लंदन मार्केट 103 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। एशियाई बाजार आज जब ओपन हो चुके हैं तो एसजीएक्स निफ्टी 108 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि जापानीज इंडेक्स 38 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, और लगभग सभी एशियाई बाजार इस समय लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को देखें तो 43 एक हल्की सी बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े से वीक संकेत इस समय देखने को मिल रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करते हैं। डेली चार्ट में अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। तो कल एग्जैक्ट 61.8% का ये जो लेवल है यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। 11,363 आ रहा था कल का हाई, 11,373 के आसपास था। तो ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। दो बार हमने देखा यहाँ पर ये हर्डल फेस कर रहा था। अगर 5 मिनट के चार्ट में अगर आप इसे देखें, ये इसे मैं 5 मिनट का चार्ट मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं ये जो एग्जैक्ट लेवल है 61.8% का, एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया, ये एक दो ये तीसरी बार। तो काफ़ी एक्यूरेट ये लेवल साबित हुए। तो यहाँ पर अभी 61.8% का ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 50 और 61.8% ये जो लेवल्स होते हैं यहाँ पर, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल आता है, एक करेक्शन आता है। तो अगर यहाँ से अगर नीचे की तरफ निफ्टी इंडेक्स आता है तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट करता है, और एक मेजर सपोर्ट होगा 20 MA का जो कि अराउंड अभी 11,057 के पास है। अगर यहाँ से और गहराता है करेक्शन तो यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट कर सकता है। तो ये फिलहाल डेली चार्ट का सिनेरियो है। चलते 60 मिनट के चार्ट में क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर कल का हाई अगर ब्रेक करता है, यानी ये जो पिवट पॉइंट है R1 इसके जस्ट ऊपर कल का हाई भी आ रहा है, तो 11,373 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। ये देख सकते हैं ना ही यहाँ पर हायर हाई हायर लो बन रहा है, ना ही लोअर हाई लोअर लो बन रहा है। एक साइडवेज पैटर्न में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। कल भी अगर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स देखें आप तो एक रेंज में ट्रेड हो रहे थे, ना ही ट्रेंड कोई दिखा रहा था। और यहाँ पर जैसे कि निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है उसी पैटर्न में काफ़ी सारे स्टॉक्स कल ट्रेड कर रहे थे, तो कल काफ़ी मुश्किल डे था ट्रेडिंग के लिहाज से। तो 11,373 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा
11,387 एक छोटा सा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 11,406, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स निफ्टी साउथ की तरफ आता है तो ये जो S1 का पिवट पॉइंट का लेवल है, हो सकता है गैप डाउन ओपन हो, अगर नहीं होता है तो यहाँ पर ये 11,290 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,270, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 11,257 जो कि पिवट पॉइंट का S2 का लेवल है। तो अगर निफ्टी इंडेक्स यहाँ से एक्सट्रीम गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है और उसके बाद 11,257 के नीचे अगर सस्टेन कर सकता है तो ही इंट्राडे के लिए हम तभी शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है तो और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,235, तभी ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर 11,257 के नीचे सस्टेन करता है तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।